बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ फिलॉसफी ऑफ लॉ। ये सब्जेक्ट है LLB पार्ट 1 और इसका पेपर नंबर है 5। इसमें हम डिस्कस करेंगे 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। क्योंकि अगर हम इसमें भी पंजाब यूनिवर्सिटी का सिलेबस देखते हैं तो टॉपिक्स ज़्यादा हैं, ऑलमोस्ट 18-90 टॉपिक्स बनते हैं, लेकिन हमने इसको प्रिसाइज किया है द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो फिलॉसफी ऑफ लॉ में जो पहला टॉपिक आप लोगों ने प्रिपेयर करना है वो है व्हाट इज लॉ, हिस्ट्री ऑफ लॉ एंड क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ। लॉ क्या है, लॉ की एक टाइमलाइन आप हिस्ट्री की बनाएंगे प्रिसाइजली, उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ कि लॉ की काइंड्स कितनी हैं, टाइप्स कितनी हैं। सेकंड टॉपिक आप इसमें करेंगे रूल ऑफ लॉ, कानून की बालादस्ती कि नो वन इज अबव और बिलो द लॉ एंड एवरीवन इज इक्वल इन द आई ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट मस्ट बी गिवन टू द जुडिशियल प्रेसिडेंट। तीन कॉन्सेप्ट है, एवी डायसी का ये कॉन्सेप्ट है रूल ऑफ लॉ का, इसको आप प्रिपेयर करेंगे। थर्ड टॉपिक आप प्रिपेयर करेंगे रोल ऑफ लॉ इन सोसाइटी कि हमारे मुआशरे में लॉ का क्या किरदार है, कानून का क्या किरदार है। फोर्थ टॉपिक है सोर्सेज ऑफ लॉ कि लॉ जो है वो किन सोर्सेज या किन जराए से मिलकर बनता है। तीन बेसिक सोर्सेज हैं, वैसे तो इनसे ज्यादा हैं लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमने तीन ही मेजर सोर्सेज कवर करने हैं, लेजिस्लेशन यानी कि कानून साजी थ्रू लेजिस्लेटिव असेंबली या पार्लियामेंट। सेकेंड हमारे पास आएगा कस्टम, रिवायात जो हैं वो किस तरह ट्रांसफॉर्म होती हैं लॉ में। उसके बाद हमारे पास प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट मीन जुडिशियल डिसीजंस ऑफ द एपेक्स कोर्ट के जो आला अदालतों के फैसले होते हैं वो किस तरह कानून का दर्जा हासिल करते हैं। उसके बाद हमारे पास लीगल राइट्स, लीगल राइट्स मीन द राइट्स विच हैज बीन गार्डेड एंड प्रोटेक्टेड बाय द लॉ ऑफ द स्टेट कि किसी भी स्टेट की कानून ने अगर किसी राइट्स को प्रोटेक्ट किया हुआ है तो उनको हम कहेंगे लीगल राइट्स, और ये आपका टॉपिक भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो लास्ट हमारे पास पांच टॉपिक्स आते हैं उनको हम कलेक्टिवली कहेंगे थीरीज रिगार्डिंग लॉ कि लॉ की डिफरेंट थीरीज। इसमें जो पहली थीरी आएगी नेचुरल थीरी ऑफ लॉ, यानी कि ये नेचुरल थीरी लॉ को किस तरह डिफाइन करती है, ये कहते हैं कि लॉ इज द आउटकम और एब्स्ट्रैक्ट ऑफ ह्यूमन नेचर। उसके बाद सेवन टॉपिक हमारे पास आता है लीगल पॉजिटिविज्म, लीगल पॉजिटिविज्म ये है कि लॉ इज जस्ट अ कमांड ऑफ सॉवरन, सिर्फ जो सॉवरन की या हेड ऑफ स्टेट की कमांड होती है वो ही लॉ है, इसमें एथिक्स मोरालिटी का कोई कंसर्न नहीं होता। एट टॉपिक हमारे पास आता है प्योर थ्योरी ऑफ लॉ, ये बेसिकली हैंस केल्सन की थीरी है प्योर थ्योरी ऑफ लॉ, जिसने ये कहा कि लॉ मस्ट बी प्योर एंड मस्ट बेस्ड ऑन ग्रैंड नॉर्म। नाइन थ्योरी हमारे पास आती है लीगल रियलिज्म, लीगल रियलिज्म ये है कि जजेस ने जो कानून बनाया, जज मेड लॉज जो हैं वो ही सिर्फ लॉ है, इनके अलावा कोई लॉ नहीं है। लीगल फॉर्मलिज्म ये थीरी जो है इसकी इंप्लीमेंटेशन आज के प्रेजेंट ईरा में बहुत ज़्यादा है। लीगल फॉर्मलिज्म के एक्सपोनेंट ये कहते हैं कि बेसिकली लॉज आर मेड बाय द पार्लियामेंट एंड जजेस हैव ओनली टू अप्लाई इट बाय यूजिंग देयर विजडम एंड ऑलरेडी सेटल्ड प्रिंसिपल मेड बाय द पार्लियामेंट ऑफ दैट स्टेट। सो ये हमारे पास 10 टॉपिक्स हैं जो आपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए कवर करने हैं, और अगर आप ये 10 टॉपिक कवर कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आप मोर देन 60% मार्क्स इजीली एग्जाम में गेन कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपको किसी किस्म की भी कोई कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन है तो टेलीफोन नंबर जो है वो हमारे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप हमसे रब्ता करके पूछ सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।